अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक, दिस इज डॉक्टर हादी हियर। आज बॉयज़ लव को पढ़ाते हैं। बॉयज़ लव जैसे आपको पता है कि इसमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है, और इसमें थर्ड चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। जैसे कि क्या चीज़ कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ज़रा टेम्परेचर भी देखें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जब भी हम लोग कोई बॉयज़ लव हो या चार्ल्स लव हो, उसमें एक चीज़ कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो फिर क्या होगा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका था वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? टू द प्रेशर। यस। अब ये जो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का जो निशान है, हमेशा दो चीज़ों के दरमियान हम प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा दो वेरिएबल्स, जब एक चेंज हो रहा होगा, एक की हालत तब्दील हो रही होगी, उसकी वजह से दूसरा चीज़ भी चेंज हो रहा होता है, तो इस तरह के ताल्लुक में हम प्रोपोर्शनल का निशान डाल देते हैं। अब इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ताल्लुक इस तरह से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एहतियात कर रहे हैं, एहतियात किस चीज़ के साथ एहतियात कर रहे हैं? घर के अंदर गैस कम यूज़ कर रहे हैं, बहुत एहतियात कर रहे हैं, और यहाँ पर बिल है, ठीक है। अगर आप एहतियात ज़्यादा करोगे, हाँ, एक चीज़ आपने बढ़ा, एहतियात को आपने ज़्यादा कर दिया, बिल क्या हो जाएगा? बिल कम हो जाएगा। तो एक चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरा कम हो रहा है, इनके दरमियान एक रिलेशन है, वो रिलेशन का नाम है इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन इसको बोलते हैं। जब एक बढ़ रहा होगा तो उसकी वजह से दूसरा कम हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अगर बिजली के गैस के खर्चे का अगर बात करते हैं, गैस कंज्यूमशन खर्चा, और यहाँ पर बिल, बिल और गैस के खर्चे के दरमियान, अब आपका रिलेशन में आप गैस ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, गैस आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो बिल भी क्या हो जाएगा? बिल ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप गैस कम इस्तेमाल करोगे तो बिल कम आएगा। अब ये भी रिलेशन है, बिल्कुल इसमें भी हम लोग निशान यूज़ कर लेते हैं, इधर भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो एक बढ़ रहा है तो उसके वजह से दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो भी कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर उल्टा ही हिसाब है, एक बढ़ा है दूसरा कम हो, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो बॉयज़ लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। देखिए, इनवर्स रिलेशन को लिखने का तरीका क्या है, अगर इस केस में अगर आप आ जाओगे ना एहतियात और बिल के केस में, तो हम इस तरह लिखेंगे एहतियात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बिल। बस ये रूल है, आपने इन्वर्स प्रोपोर्शनल के केस में एक चीज़ को लिखना है, दूसरा जो है उसको अपने लाइन के नीचे आपने लिखना है, बस ये रूल है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल, अगर आप यू लिखोगे ना तो इस निशान का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये एक ही निशान है, पर इसको हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, इस तरह करना होगा, वन अपॉन पी करना होगा। चले ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर उसकी वजह से कम हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को कम कर दोगे तो उसे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर एक चीज़ लिखना लाजमी है कि एक चीज़ कॉन्स्टेंट होगा। क्या चीज़ कॉन्स्टेंट होगा? टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होगा। ये ऑलरेडी ऊपर हम लिख चुके हैं, टेम्परेचर कौन सा? अच्छा, बाद में ये भी लिखा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, गैस की खास मकदार भी होनी चाहिए, वो भी कॉन्सेंट होना चाहिए, वो गैस की मकदार को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान को आप जब भी हम हटाएंगे ना, तो फिर उसकी जगह क्या आएगा? इक्वल का निशान आएगा। रूल है, प्रोपोर्शनल का निशान जाएगा तो इक्वल का निशान आएगा, और साथ एक कॉन्सटेंट लगाना पड़ेगा अपने से। अब कॉन्सटेंट लगाएंगे तो यहाँ पर हम कॉन्सटेंट लगाएंगे के इन टू वन अपॉन पी। इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे तो ये के इंटू वन के ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के अपॉन पी।
अब यहाँ से ये पी चूंकि लाइन के नीचे है, डिवाइड के केस में है, इक्वेशन के किसी भी दूसरे साइड पर जब आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल आपको पता है, जो चीज़ लाइन के नीचे है इक्वेशन के अगले साइड पे जाकर वो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। तो रूल आपको पता होगा, तो पी नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, पी इंटू वी इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, पी वी इज इक्वल टू के, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू के। यानी इस तरह के केस में आपके पास प्रेशर आएगा, वॉल्यूम आएगा। जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जवाब एक कांस्टेंट आएगा। ये बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सपोज करते हैं ये आपके पास गैस का एक सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर के अंदर कोई गैस पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज करते हैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम यहाँ पर 10 लीटर है, सपोज करते इसका वॉल्यूम 10 लीटर है और इसका जो प्रेशर है वो 2 atm है, फ़र्ज करते हैं। तो शुरू शुरू में चूँकि ये शुरू में ऐसा है तो मैं इसको P1 कर देता हूँ, V1 कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा कर दूँ, प्रेशर को मैं डबल कर लेता हूँ, प्रेशर को 2 से कर देता हूँ 4, यानी इसके ऊपर प्रेशर डबल कर देता हूँ, प्रेशर हो जाएगा पी बराबर है 4। डबल कर दे, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो चूंकि अब प्रेशर चेंज होगा ना, पहले जो था अब से चेंज होगा, तो अब इसको हम लोग P2 लिख देते हैं। पहले जो था P1, बाद में जो है वो P2। वॉल्यूम जो है वो पहले जो था 10 लीटर था, अब ये 5 हो जाएगा, 5 लीटर, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लगाना है। V1 शुरू वाला वॉल्यूम, V2 बाद का वॉल्यूम, ये तो मैंने लिखना होगा। अब मजे की बात मुझे जो तो बहुत ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि शुरू में ज़रा अगर आप देखें, अगर P और V का आप प्रोडक्ट लेते मल्टीप्लिकेशन P into V, P1 into V1 अगर आप लेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। वो कैसे, P1 आपको पता है 2 है, मल्टीप्लाई बाई V1 आपको पता है 10 है, तो 2 10 10 20 आंसर आ गया। अब देखो ना ये बात किस तरह मतलब साबित हो जाती है। अब इस केस में अगर आप आ जाओगे यहाँ पर, अगर आप P2 into V2 ले लेंगे तो उसका आंसर भी 20 ही आएगा, क्योंकि P2 आपके पास यहाँ पर 4 है और V2 आपके पास 5 है, तो आंसर तो वही 20 आएगा। मतलब हालात आप चेंज कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है, P1 V1 पहले भी 20 था, अभी भी P2 V2 इज इक्वल अभी भी 20 है। तो इस बिना पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि P1 V1, चूंकि इधर भी P1 V1 भी 20 है, उधर भी P, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये 20 है और वहाँ पर भी ये 20 है। तो बॉयल्स लॉ में ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये कहना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उधर आपको काम आएगा। ये क्वेश्चन कब तक इस पर एतमाद किया जा सकता है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर वॉल्यूम आगे पीछे हो रहा हो, तब ये हो सकता है। और ये बड़ा प्यारा है। तो बॉयल्स लॉ का एक और डेफिनेशन आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, बॉयज लॉ है, आप लोग लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बॉयज लॉ। इंशाल्लाह आपसे दूसरे टॉपिक में दोबारा से मुलाकात होगी। बॉयज लॉ के बाद चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप जस्ट इसके लिए एक काम कर ले कि इसको रिपीट कर सकते हैं, वीडियो के पास है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात दोबारा से मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।